आइए परंपरा अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ व्यास वंदना से करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ वैदिक बटुक कौशल पाराशर, यश उपाध्याय तथा युगम शर्मा को। आप सभी श्री बद्री भगत वेद विद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे हैं। नमो नमस्ते व्यास गुरु जय निगमागम कल्पतरु। नमो नमस्ते व्यास गुरु जय निगमागम कल्पतरु। कुलकुल करा कथाति विचित्रा सुमधुर भगवद गीता मंत्रा भागवती गाथा च पवित्रा त्वया कृता सुकवि गुरो त्वया सुकवि गुरो जय निगमागम कल्पतरु। नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरु। वेदारण्यक समारोपणम् उपनिषदमृतोदधि निर्मथनम् पुराणमन्दिर परिनिर्माणम् त्वया कृतं हे जगद्गुरो त्वया कृतं हे जगद्गुरो जय निगमागम कल्पतरु। नमो नमस्ते व्यास गुरु जय निगमागम कल्पतरु। अचतुर्वदनो विश्वविधाता द्विभुजो हरिरसि परिपालयिता अभालनयनो शिव संहरता त्वमेव भगवन् विश्वगुरो त्वमेव भगवन् विश्वगुरो जय निगमागम कल्पतरु। नमो नमस्ते व्यास गुरो जय निगमागम कल्पतरु। विश्वं सकलं व्यासोच्छेष्टम् श्रेष्ठवचनमिदमर्थविशेष्टम् सत्यं तथ्यं महतामेष्टम् सकलगुरूणामादिगुरो सकलगुरूणामादिगुरो जय निगमागम कल्पतरु। नमो
जय निगमागमकल्पतरो जय निगमागमकल्पतरो नमोऽस्तु वेदव्यासाय यस्य वाङ्मय तेजसे सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं सञ्जातं जनगोचरं सबाह्याभ्यन्तरं विश्वं सञ्जातं जनगोचरं वेद भगवान् की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस निर्मल तथा सुरमय प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिंगल फाउंडेशन के अग्रज श्री सलील जी सिंगल साहब को कि वे पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करें तथा वह अनुरोध करती हूँ कि हमें भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वैद्य पुरस्कार की यात्रा से अवगत कराएं। परम पूज्य निय स्वामी गोविंद देव गिरी जी, मुरली मनोहर जी, चाचा जी, आदरणीय चाचा जी, अतिथियों और मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि आज सातवें भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वैदिक पुरस्कार समारोह में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल का इस समारोह में आना निश्चित था। हमें खेद है कि अकस्मात कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका दिल्ली आना कैंसिल हो गया। उन्हें आपका संदेश हम वीडियो से दिखाएंगे। परम पूजनीय स्वामी गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी, आपको मेरा स्वागत प्रणाम। भारत आत्मा पुरस्कार का आज का समारोह आज आप ही के आशीर्वाद से संभव है। मुझे याद है जब आपने हरिद्वार में इसका एक अनाउंसमेंट किया था, जब मैं आपके पास में था और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आपके ही प्रेरणा और मार्गदर्शन से भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वैदिक पुरस्कार स्थापित हुए और आज अपना सातवां सत्र पूरा कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। मुरली मनोहर जी, चाचा जी, आप आज आए हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और अशोक चाचा जी का आपका हमारे परिवार से इतना पुराना संबंध है कि आप जरूर उसके बारे में कुछ आज कहेंगे। हमारी जूरी के सदस्यों कर्नाटका में रमेश जी मदन, नासिक से शांताराम जी भानोसे, वाराणसी से नारायण जी गणपति तथा वाराणसी से ही विजय कुमार जी शर्मा आज मंच पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी रिकमेंडेशन कमेटी के सदस्य दिल्ली से रामानुज जी उपाध्याय, गोकर्णा से गणेश जी जोगलेकर, नासिक से कृष्णा जी पलस्कर और तिरुपति से रामचंद्र जी जोशी का भी स्वागत है। तिरुपति वेद विद्यापीठ के भूतपूर्व कुलपति श्री सुदर्शन जी शर्मा शुरू से ही वैदिक शिक्षण से जुड़े हुए हैं तथा सभी मामलों में वो हमारी सहायता करते रहे हैं। आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के पुरस्कार विजेता और उनके फाइनलिस्ट तक पहुंचने वाले प्रत्याशियों, आप सबका स्वागत है। सबसे ज्यादा हमारे आयु अतिथियों का स्वागत है। आपकी उपस्थिति से सिंगल फाउंडेशन के इस प्रयास को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। पूज्य अशोक चाचा जी का जीवन विश्व भर में पहले हिंदू समाज की सेवा में समर्पित रहा। यद्यपि चाचा जी को देश विदेश में लोग उनके अयोध्या के राम मंदिर के संघर्ष के लिए जानते हैं, किंतु उनके वेदों के संरक्षण और प्रसार के लिए कार्य की ख्याति उतनी नहीं है। चाचा जी के पूरी गुरुदेव ने वेदों की गहरी समझ से उन्हें सक्षम किया और इन्हीं ग्रंथों से चाचा जी ने अपनी प्रेरणा पाई। उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारी वैदिक परंपराओं न केवल संरक्षण न उनका संरक्षण ही आवश्यक है
बल्कि भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए समाज के सभी वर्गों में वेदों का प्रचार व प्रयोग भी। आज का समारोह भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वैदिक पुरस्कार 2023 के लिए आयोजित हुआ है। भारत आत्मा पुरस्कार वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बने। बस इसे ध्यान में रख हमने हमारी योग्यता और आलंकन के मापदंडों को ऐसा बनाया है जिससे कि निष्पक्ष रूप से आवेदकों की उत्कृष्टता ही इस पुरस्कार को पा सके। आवेदकों की जांच प्रक्रिया की भी ऐसी बनी है कि निष्पक्ष रूप से फाइनलिस्ट का चयन हो सके। जो रिकमेंडेशन कमेटी फाइनलिस्ट का चयन करती है वो विजेता का चयन नहीं करती। विजेता के चयन की पूरी जूरी के प्रतिष्ठित विद्वान, जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, फाइनलिस्ट रहे विद्वान विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और विद्यार्थियों और अध्यापकों का साक्षात्कार। तो इस प्रकार से ही फाइनलिस्ट का एक समग्र रूप से ऑलराउंड असेसमेंट होने के बाद ही विजेता चुना जाता है। इस वर्ष रिकमेंडेशन कमेटी की बैठक उदयपुर में अक्टूबर में हुई। जूरी द्वारा विद्यालयों का दौरा, विद्यार्थी और अध्यापक उम्मीदवारों का साक्षात्कार और अंतिम विजेताओं के चयन का काम कल ही गुरुग्राम में संपन्न हुआ। आज का ये आयोजन इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। आज इस व्यापक प्रक्रिया के बाद विजेताओं के रूप में चयनित उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी, आदर्श वेद अध्यापक और उत्तम वेद विद्यालय का हम सम्मान करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने वेददार पीठ जीवन सम्मान भी इस श्रृंखला में जोड़ दिया है। यह सम्मान एक ऐसे विशिष्ट वेदी गुरु को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सारा जीवन वेद अध्यापन को समर्पित कर दिया है। भारत का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन आज भी हैं जिन्होंने दृष्ट शिष्य परंपरा स्थापित कर वेदों की श्रुति परंपरा में बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे विद्वानों का सम्मान देना ही हमारा कर्तव्य है। इट इज लाइक अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूज्य चाचा जी का सपना था कि वेद तथा वैदिक ज्ञान भारत के सर्वांगीण विकास का अभिन्न अंग बने। इस स्वप्न को साकार करने के लिए अब बहुत काम हमें करना है। भारत के आम नागरिक के समक्ष वेद, इतिहास और शास्त्रों में छिपे अथाह ज्ञान को उजागर करना होगा। जो समाज के समक्ष आए समस्याएं खड़ी हैं, उन्हें सभी समस्याओं के निवारण, समाधान और सामना करने की तरीके भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्यों में मिलते हैं। इस ज्ञान को हमारे जीवन में ढालने का काम हमें स्कूल और कॉलेजों से शुरू करना पड़ेगा। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से अब लगता है कि यह संभव होना चाहिए। हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख बहुत कुछ सकते हैं। हमारे बच्चों को अब तक हमारे अपने इतिहास का एक विकृत दृष्टिकोण ही प्राप्त हुआ है। कॉलोनियल काल से के दौरान लिखा गया इतिहास हमारे भारतीयता की निंदा ही करता है, क्योंकि यही हमारे कॉलोनियल मास्टर्स चाहते थे। नतीजा यह है कि हम भारतीयता, संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जो संस्कृति अपनी जड़ों को भूल जाती है वह नष्ट हो जाती है। हमारी जड़ें हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है और वे इन ग्रंथों ही की नींव है। मुझे उम्मीद है कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में और भारत को विश्व के अपने महान संस्कृति और विरासत के लिए जाने जाएं, हम NEP के दौरान यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान में मिले अवसरों का सकारात्मक उपयोग करेंगे। अंत में मैं पुनः परम पूजनीय स्वामी जी, आदरणीय चाचा जी और आचार्य देवरत जी, हमारे गवर्नर साहब जिन्होंने हमें अपना उद्बोधन भेजा है, उनका मैं बहुत बहुत फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेद माता की जय।
धन्यवाद आदरणीय सिंगल साहब। मैं निवेदन करती हूँ परम पूज्य स्वामी जी से कि वह अपने पुण्य विचारों से हमारा ज्ञान वर्धन करें। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदि वल्लभम प्रपन्न पालियाताय सोत्र वेत्रे रूपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतां तुद्वे नमः माधुर्य सल्लोलां शिवशक्तेक रूपिणी अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सगुरु आत्मा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस मंगलमय अवसर पर मैं उपस्थित हो सका इसका मुझे अत्यंत समाधान है। इन दिनों अयोध्या के श्री राम मंदिर के कार्य में इतनी अधिक व्यस्तता है कि किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए समय निकालना दुरूह होता जा रहा है। फिर भी जैसे राम मंदिर का कार्य श्रद्धे अशोक जी ने अपने हाथ में लिया था, उसी प्रकार वेदों का कार्य भी उन्हीं का कार्य है। ये सोच करके और परसों ही हमारे न्यास मंडल के लोगों ने कहा आपको तो वहां पर जाना ही चाहिए। सभी लोग माननीय अशोक जी के नाम से प्रभावित होते हैं और उनका वेदों से कितना लगाव था, कितना प्रेम था, इसका उनके संनिकट लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे स्वयं उनका वो पत्र याद आता है 1990 में जब वंशी वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, उससे 5-6 महीने पूर्व मैं देश के अनेक गणमान्य लोगों से संपर्क करता रहा किस प्रकार का विचार कर इस प्रकार का कार्य करने की एक प्रेरणा श्री भगवान से हुई है। तो इसके बारे में आपके लिए सुझाव हम लोगों को चाहिए। वो पत्र मैंने संभाल करके रखा है जो माननीय अशोक जी से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यार जी ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर का काम इस समय मेरे सामान्य नहीं होता तो मैं बाकी सब कामों को छोड़ करके वेदों की सेवा के काम में ही अपना पूरा जीवन लगा देता। यह स्वयं उन्होंने लिखा और जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरा आज का विचार नहीं है, परंतु जो गुरु जी से मैं इस बारे में जब बात करता था तो गुरु जी भी कहा करते थे कि इस काम को किसी को ध्यान देना चाहिए और तुम्हें ही सबसे अच्छा ध्यान दे सकते हो। तो उनकी पैतृक परंपरा से वेदों का लगाव और उनके स्वयं के वेदों में अपार निष्ठा, जिस निष्ठा से वे इस बात को पूरी तरह मानते थे कि वेदों के ज्ञान के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है और यह सब करने वाले इन वेदों को संरक्षित करना चाहिए। यह हमारे जीवन में एक बड़ा पुण्य का कार्य भी है और आधुनिक वातावरण में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम पिछले अनेक दशकों से जो देख रहे हैं उसके पूर्व तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। अब आजादी का अमृत काल अनुभव कर रहे हैं तो 7 दशक तो हो ही गए, हम स्वतंत्रता के वातावरण में हैं, लेकिन ऐसे सारे वातावरण में ही हमारे मूल इस देश के जो ज्ञान के स्रोत है उन स्रोतों की ओर, जो प्रेरणा के स्रोत है उन स्रोतों की ओर कितना ध्यान गया, एक विचारणीय विषय है। विदेशी लोगों ने तो, आक्रांताओं ने तो इस देश के स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए, इस देश की अस्मिता को तोड़ने के लिए इन सब बातों की उपेक्षा की और इस प्रकार से
वेदों का और हमारे शास्त्रों का अनुवाद करके रख दिया, जो आज भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत बन करके बैठा है। क्योंकि लोगों के विद्वानों के सामने तो विश्व में वही अनुवाद जाते हैं और उन्हीं को पढ़ करके वेदों के बारे में और हमारे शास्त्रों के बारे में अपना मत अगली पीढ़ियां बनाती है। यह बात आज भी हम लोगों के लिए चुनौती के समान है। लेकिन इस प्रकार की अनेक प्रतिकूलताओं को झेलते हुए भी हम उन परंपराओं को वंदन करते हैं, उन विप्रों की परंपराओं को वंदन करते हैं जिन्होंने एक अत्यंत कठिन संघर्ष को झेल करके भी वेदों की श्रुति पाठ को जीवित रखा। यह एक अत्यंत बड़ा चमत्कार है, विश्व में एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि वेद जैसे संपूर्ण ज्ञान राशि को कंठ में धारण किया जाता है और कंठ में धारण करने के लिए किस प्रकार का एक सादगी पूर्ण तपस्या में जीवन जीना पड़ता है उसके उदाहरण तो जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वो सब लोग जानते हैं, आप में से अनेक लोग तो स्वयं उसके उदाहरण हैं। और इसलिए यह जो हमारी प्राचीन संस्कृति की मूल धरोहर को बचाने का प्रयास चल रहा है इसमें एक नया अभियान आरंभ होना चाहिए, ऐसा श्रद्धेय अशोक जी का विचार था और उन्होंने स्वयं इस बात को आगे बढ़ाया। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के साथ जुड़ करके और उसके साथ साथ काम करते हुए यहाँ पर उनकी प्रेरणा से, माननीय अशोक जी की प्रेरणा से लगभग 18-20 वेद विद्यालय स्थापित हो गए और ये विद्यालय अपने पगों पर खड़े होकर के और वेद प्रचार का काम कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना के समय एक ही हमारे सामने विचार था और वो ये था कि उत्तर भारत वेद रहित हो गया, दक्षिण भारत की ओर हम मुड़े ही नहीं, क्योंकि तो दक्षिण भारत में वेदों की रक्षा करने का काम कांची पीठ, श्रृंगेरी पीठ, तिरुपति देवस्थानम आदि सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत वेदों से रहित हो गया तो बड़ा चिंता का विषय था। और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान और विश्व हिंदू परिषद जो कि माननीय अशोक जी की प्रेरणा से इस काम में लगा हुआ है, इन्होंने मिलकर के 50-60 से भी अधिक वेद विद्यालय उत्तर भारत में स्थापित करके और पुनः उत्तर भारत को वेदों से भर दिया, ये अभिनंदनीय विषय है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब 90 में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की तो उस समय मुझे व्याकुलता इस बात की थी कि यदि ये काम तुरंत नहीं किया गया तो एक पीढ़ी के पश्चात वेद पढ़ाने वाले ही नहीं बचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इससे इस काम को तीव्रता के साथ करने की आवश्यकता थी और परमात्मा ने उतना संबल दे दिया, उतनी कृपा कर दी और एक नया दृश्य हम लोग देख रहे हैं। कितना मेरा मन भर करके आया जब मैंने 6 महीने पहले मैं जम्मू गया था और जम्मू में अभी का जो वेद सम्मेलन हुआ उसमें मैं अयोध्या के काम के कारण जा नहीं पाया, लेकिन 6 महीने पहले मैं अन्य काम से जम्मू गया था, जम्मू के विद्यालय में, जम्मू के वेद विद्यालय में, वहां 42 छात्रों को उत्तम सत्वर वेद पाठ और जो सारे जम्मू कश्मीर के छात्र हैं ऐसे छात्रों को वहां देख करके हृदय आनंद से भर आया। ये वेदों की स्थापना ये करना अत्यंत आवश्यक था और यह यदि समय से नहीं किया जाता तो परंपराएं लुप्त होने का बहुत बड़ा भय निर्माण हो गया था। इस प्रकार ये संपूर्ण वेद, वेदों की यह श्रद्धा, मैं सारी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मत्स्य महेश योगी जी के साथ मिलकर के, उनके अनुयायियों के साथ मिलकर के माननीय अशोक जी ने जो काम किया वह भी अपना एक अद्भुत काम है। इस प्रकार वेदों के लिए उनके अंतःकरण में एक अतीव श्रद्धा का भाव था, वेदों के प्रति विश्वास था, वेदों के उद्धार के लिए तड़प थी, व्याकुलता थी, जलन थी। और इसलिए जब इस पुरस्कार का नाम रखने की बात चली तब मैंने कहा इस पुरस्कार का नाम हम भारतात्मा ऐसा रखेंगे, तो भारतात्मा इस नाम पर शब्दों में मंथन हुआ। मैंने कहा वेदों के अशोक जी के अंतकरण में भारत बसा हुआ था। आजकल मैं 2 पंक्तियां सुनता हूं, गुनगुनाता भी हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन माननीय अशोक जी ने उन पंक्तियों को जी करके दिखाया। देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सबने अशोक जी इन दो पंक्तियों के साकार रूप, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सब बातों की उपेक्षा की, लेकिन भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और भारत का रहना क्या है? भारत की भूमि तो भारत की भूमि है, लेकिन भारत की संस्कृति यह इस भूमि का सबसे बड़ा आधार है। बिना वेदम, बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणी कथाम, बिना कवि कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। भारत की भारतीयता इन वेदों की रक्षा होने में, भारत की भारतीयता संस्कृत भाषा की रक्षा होने में, और इसलिए रात दिन इस काम को करते हुए उनके अंतकरण में केवल भारत बसा हुआ था। तो अशोक जी की आत्मा भारत और भारत की आत्मा वेद, वेद भारत की आत्मा है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति वेदों पर आधारित संस्कृति है। एक तो वेदों से निकले हुए विचार, और कहीं कहीं वेदों के विचारों के लिए जो आंशिक प्रतिक्रियाएं हुई उनको मिलाकर के भारतीय परंपरा बनी। तो मूल तो भारत का विचार जब भी किया जाएगा, भारत के सोच का विचार, भारत के मूल आधारों का विचार जब भी किया जाएगा, तो वेदों को अनदेखा किया ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए माननीय अशोक जी की आत्मा भारत और भारत की आत्मा वेद, और इसलिए उनको प्रिय इन दोनों कामों के संस्मरण के लिए इस पुरस्कार का नाम भारतात्मा पुरस्कार रखा गया है। और यह सर्वथा भारतात्मा पुरस्कार का कार्य इस प्रकार का करने की मेरी इच्छा थी कि वह एक अपना नया आलोक वैदिक समाज को दे, लोगों में वेदों की प्रतिष्ठा का दर्शन करावे और वैदिकों में विश्वास को निर्माण करें। और मुझे ये कहने में बड़ा संतोष है कि सिंघल परिवार ने जिस ढंग से इस भारतात्मा पुरस्कार का 7 वर्षों तक संचालन किया है, उस संचालन को देख करके वैदिकों के भीतर आत्मविश्वास जगा है। उनको ये लगने लग गया है कि समाज को हमारी आवश्यकता है, उनको एक प्रतिष्ठा का भाव निर्माण हो गया जो हम करना चाहते थे। और इन कामों को सिंगल परिवार अत्यंत तत्परता के साथ और बिल्कुल पूरा ध्यान देकर के करता है, गौरव के साथ करता है, उसकी सारी मर्यादाओं के साथ करता है, और उन सारी मर्यादाओं के और ज्ञान के साथ साथ आधुनिक परीक्षा पद्धति को लेकर के करता है। यह एक अत्यंत बड़ी बात है। तो मैं इस शुभ मंगल घड़ी में सबसे पहले सिंगल परिवार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उस दिव्यात्मा की उस स्मृति को जागृत रखने के लिए एक महान कार्य में अपना योगदान दिया। और यह सच्चा शांत है, यह सच्चा संतर्पण है, क्योंकि माननीय अशोक जी की आत्मा को तृप्ति होने के लिए एक कार्य ये वेदों का होना चाहिए और दूसरा कार्य श्री राम मंदिर का, वो तो भव्य मंदिर बन रहा है। ध्यान रखना, मैं कभी विचार करता हूं माननीय अशोक जी की, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, द माइंड ऑफ कृष्णमूर्ति, माइंड ऑफ कृष्णमूर्ति, तो मैं विचार करता हूं माइंड ऑफ अशोक जी, तो माइंड ऑफ अशोक जी का जब विचार करता हूं तो उसमें उसका हार्डवेयर राम मंदिर है, उसका सॉफ्टवेयर वेद की सेवा है। भगवान श्री राम भी वेदों की रक्षा के लिए चाहिए, उनके जीवन का मिशन स्टेटमेंट यह है। स्वयं मसीह विश्वामित्र ने उनसे पूछा, त्राटिका आ रही है राम, उसे मारोगे? वो स्त्री है गो। भगवान श्री राम तुरंत बोले, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। आज गोपाष्टमी भी है, गो माता की रक्षा के लिए, वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और सामान्य जनता देश की जो है उसकी रक्षा के लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा, और जो भी सामने आएगा उसका पारिपत्य के बिना नहीं होगा। दिस इज मिशन स्टेटमेंट ऑफ भगवान श्री राम।
भगवान श्री राम वेदों को लेकर के चले और इसलिए वे पूरी तरह हमारे सामने एक आदर्श राष्ट्र पुरुष के रूप में विराजमान है। तो एक और वह कार्य हो रहा है, दूसरी ओर वेदों का उत्थान निश्चित रूप से हो रहा है। सारे वैदिक भी इस बात को मान्य करेंगे कि एक 20 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले वैदिकों को जिन आपदाओं को झेलना पड़ता था, आज के वैदिकों को और वैदिक छात्रों को उन आपदाओं को झेलना नहीं पड़ता है। वे अब सरल और सुविधापूर्ण शैली में, सुविधापूर्ण वातावरण में अपना अध्ययन कर सकते हैं। इतना पर्याप्त है ऐसा मुझे नहीं कहना है, लेकिन हम कुछ आगे बढ़े और भी आगे बढ़ना चाहिए। हम तो अब आवश्यकता इस बात की मानते हैं कि हमारे वैदिक छात्र आधुनिक छात्रों के साथ विवाद करके वैदिक ज्ञान से उनको पराभूत कर सके। इतना हमारा वैदिक ज्ञान तेजस्वी हो जाना चाहिए, इतना तेज वेदों में भरा हुआ है, उससे उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता होने पर अंग्रेजी पढ़ने की भी आवश्यकता है और इन लोगों के सामने वेदों का यह ज्ञान जिसको गलत ढंग से विदेशी लोगों ने लोगों के सामने लाया, उसे सही ढंग से लोगों के सामने ला करके और इस प्रकार का एक सिंहनाद करने की आवश्यकता है, उस दिग्विजय की आवश्यकता है। उस दिग्विजय के लिए योग्य वातावरण निर्माण होने का यह पर्व है और इस वातावरण को निर्माण करने में इस सिंगल फाउंडेशन का अत्यंत बड़ा महत्व है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों को अभी पुरस्कार प्राप्त होगा उनका भी अभिनंदन मैं पहले ही कर लेता हूं, अभिनंदन करता हूं कि प्रतीक के रूप में सिंगल परिवार का अभिनंदन करता हूं और जिन लोगों ने इस वैदिक परंपरा को जीवित रखा उन सारे के सारे वैदिकों की उस पुण्य परंपरा को प्रणाम करता हूं। यहां पर मैं आया और मुझे अड़ी जी का स्मरण हो गया। पिछले वर्ष अड़ी जी का सम्मान किया गया था, व्यक्तिगत रूप में वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं उनके सन्निकट लोग जानते हैं, लेकिन एक अलग ढंग का वही जिसने वेदों के उस अमृतत्व को प्राशन किया है, जिनके भीतर से आनंद छलकते रहता था, वे निरंतर विनोदी शैली में आनंद को अभिव्यक्त करते रहते थे। अब ऐसे विद्वान देखने मिलना भी कठिन। यदि हम पिछले वर्ष उनका सम्मान नहीं करते तो जीवन में तीस रह जाती, इस महापुरुष का पूजन हम नहीं कर पाए। हम जो नहीं कर पाए वो तो नहीं कर पाए, लेकिन अब इसके आगे इस प्रकार की भूल हम हमारे द्वारा कभी ना हो, हम किसी भी वैदिक का सम्मान करने से वंचित न रह जाए, इतनी ही प्रार्थना श्री परमात्मा से करता हुआ पुनः अभिनंदन करता हुआ वाणी को विराम देता। आप मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। आपने अपनी स्नातक की डिग्री मेरठ कॉलेज तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने भौतिकी में शोध कार्य किया है और इस शोध कार्य को हिंदी में प्रकाशित किया। अपनी युवा अवस्था में डॉक्टर जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और गौ रक्षा संबंधी आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। आपको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है तथा आप आदरणीय श्री अशोक जी सिंघल के घनिष्ठ मित्र रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। पूज्यपाद श्री गोविंद जी महाराज, मंजा सिंह, सभी विद्वान, सिंगल परिवार की ओर से जिसे मैं अगर सही कहूं तो जिस परिवार का मैं बहुत बहुत पुराना सदस्य रहा, उसकी ओर से जो ये भव्य कार्यक्रम, बहुत ही सारस्वत कार्यक्रम में से हो यहाँ उपस्थित होकर और आज के
जिसमें कि प्रतिष्ठित विद्वान जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन सबके दर्शन और आप सब महानुभावों के दर्शन करके मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मैं यहां इस दृष्टि से नहीं आया था कि मुझे यहां बोलना पड़ेगा, लेकिन सलील जी ने बहुत आग्रहपूर्वक एक ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद मुझे यहां मंच पर उपस्थित होना पड़ा। अशोक जी के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था और वो काशी विश्वविद्यालय में थे। इलाहाबाद की संघ की शाखा पर रज्जू भैया जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, और जब कभी अशोक जी वाराणसी से आते थे तो वो भी उसी शाखा पर आते थे। तो इसलिए इन दोनों महापुरुषों से मेरा बहुत ही सजीव और घनिष्ठ संबंध था। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने तो मुझे पढ़ाया भी था और साथ में बहुत दिनों तक उनके साथ बैठकर विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था। अशोक जी के साथ वो संघ के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता थे, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया उस समय, और तब विश्वविद्यार्थी क्षेत्र में भी उनको संघ ने दायित्व दिया था और वो विश्वविद्यालय की शाखाओं में और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे और कई बार उस दृष्टि से भी उनके साथ बहुत दूर दूर तक प्रवास करने का भी अवसर आया। और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मामलों में वो चाहे संघ के कार्य के हों, फिर चाहे गोरक्षा के हों, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्य में हों, उनके साथ एक तरह से जिसको मैं अगर छोटी मुंह बड़ी बात कहें तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर भी मुझे मिला। तो ऐसे महापुरुष के संबंध में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता आज नहीं है। आज जो कार्य उनकी स्मृति में और उनके आदेशानुसार इस न्यास के माध्यम से किया जा रहा है, वो मेरी दृष्टि से देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। स्वामी जी ने बहुत कुछ वेद के संबंध में और उसकी मान्यता के संबंध में बताया, उसके बारे में मैं उतना अधिकारी भी नहीं हूं जितना कि वो है, लेकिन मैं दो बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये, उनसे चर्चा में भी मैंने कही थी कि हमारे जो अभी तक जिसको हम अधिकृत वेदों के अर्थ, वेदों का भावार्थ, वेदों का अनुवाद इस रूप में जाना जाता है, उसको जो अन्य विद्वान है जो वैदिक परंपरा से बाहर है, विश्वविद्यालयों में है, उसका अधिकांश स्रोत ग्रिफिथ महोदय को या अन्य पाश्चात्य विद्वानों को मानते हैं। ये एक ऐसी विडंबना है कि जिससे हमको जितनी शीघ्र मुक्ति मिल जाए उतना ही अच्छा हो। दो बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मैं और अशोक जी कभी कभी बातचीत करते रहते थे तो इस संबंध में ये प्रश्न बहुत बार आया कि आखिर हमें इसका उद्धार कैसे करना चाहिए। उनकी बहुत सारी योजनाएं थी जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना यह हमारे सामने है। तो मैंने उनसे कहा, देखिए हमारे यहां हम वेद पाठ करते हैं, हमारे वेद पाठी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक विदेशी विद्वान ने यह बात कही है कि ये जो पाठ का क्रम है हमारे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे
वास्तव में कंप्यूटर विज्ञान का उदय। अब अगर मैं जब मैं मंत्री था तब भी मैंने ये बात कही थी तो लोग डंडा लेकर खड़े हो गए थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। वस्तुतः बात क्या है कि उस विदेशी विद्वान ने यह बताया कि भाई ये जो पाठ में कभी दाएं कभी ऊपर कभी इधर कभी ये क्या है। पाठ में याद करते ना पंडितों को देखा होगा ऐसा, शायद पंडितों को भी ये मालूम नहीं होगा कि ये सीधे आज के कंप्यूटर से संबंधित है। आज का कंप्यूटर डॉट एंड डैश पर काम करता है। हमारा विद्वान उसी प्रकार से उसी पद्धति से सारे वेद पाठ करता और उन्होंने फिर ये बताया कि देखो इस पद्धति से कैसे हम वेद मंत्रों का निर्वचन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ऐसा है, उसके पठन पाठन में ऐसे हर सुधीर की ऐसे बातें हैं और उसी आधार पर उन्होंने जब आज के एल्गोरिथम से उसका की तुलना की तो पता गया कि उसको दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात सारे वेद मंत्रों के आधार पर आप बहुत सारा ज्ञान आगे ले जा सकते हैं। उस दृष्टि से अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तभी संभव होगा जबकि आप पहले इन मामलों में और इन सारी व्यवस्थाओं में एक मंत्र एक सूत्र होकर वेद मंत्रों के अर्थों के बारे में भी सबको एक मत होनी चाहिए। उनके निर्वचन के बारे में उनके पाठ से निकलने वाले जितने भी तत्व हैं उन सबके बारे में गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है। और फिर जब अपने सिद्ध हैं उन्होंने तो मंत्र पढ़ के बता दिया कि इससे इसको ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है आज के एल्गोरिथम्स में, तो ये बात मुश्किल ये है कि हमारे देश के जो कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इसके बारे में गंभीर चिंता नहीं। ये तो अब पत्रिकाओं में विदेशी रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित है और इसका भी यह उल्लेख सबसे पहले एक विदेशी वैज्ञानिक ने ही किया और उसके बारे में जानकारी हमें हमारे ही जो विदेश में काम करने वाले भारतीय लोग हैं उनके माध्यम से आ गई। मगर इस तरफ हमारा ध्यान कि हम वेदों को उनके मूल रूप में व्यवस्थित रूप में उनका कितना मान आज हमारे पास है, कितनी मात्रा हमारे पास है, क्योंकि अभी ये कहना भी कठिन है कि सारा जो वैदिक ज्ञान है वो प्राप्त है, बहुत कुछ तो लुप्त है सुप्त है। उसको कैसे हम ग्राह्य करें, कैसे हम उसका उद्धार करें, ये बहुत बड़ा कार्य है। और वास्तव में भारत के उद्धार का ये बहुत महत्वपूर्ण सोपान होगा यदि हम इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाकर दें चले। दूसरा, जिस व्यक्ति ने आज के भौतिक विज्ञान को कंप्यूटर साइंस को ही नहीं बल्कि सारे कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स का उद्धार किया, उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये आपने नया सिद्धांत निकाल दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो वही कर रहा हूं जो इस देश का भारत का ब्राह्मण कहता है तत्वमसी। और उसने कहा मैं इस अपने ऊपर सारी क्रिश्चियन समुदाय की कि सारी आपत्तियों को झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जितने भी तीन अब्राहमिक धर्म हैं उनमें ईश्वर और व्यक्ति इन दो की को विभिन्न माना है। वहां वो कहता है ना कि क्रिएटर एंड द क्रिएशन ही अलग है, ये बाइबल भी बोलती है, ये कुरान भी बोलती है, ये जीसस भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, मैं यद्यपि क्रिश्चियन हूं पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं और ब्रह्म एक ही है तत्वमसी। ये जो भारत का ब्राह्मण बोलता है यही सच है और इसी का मैं अनुशीलन करता हूं।
हेजनबर्ग आए, उन्होंने तो कहा कि भाई जब तक आप ये कह रहे हैं कि उसको देख रहा हूं तो ये बहुत ही मुश्किल बात है कि मैं उसको देख रहा हूं। वो कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि आप बिना उसमें लीन हुए आप उसको देख सकें। यदि आप देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि रहेगी, अनसर्टेनिटी। वो कहता है दृश्यता और दृष्टा का भेद गलत है, अगर है तो आप समझ नहीं रहे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहां आधुनिक विज्ञान दूसरी तरफ से दूर से दूर तक जा रहा है, हम अभी अपने अपने संपूर्ण भंडार को समायोजित नहीं कर पाए, संग्रह भी नहीं कर पाए, और उसका वास्तविक स्वरूप, उसका विशाल स्वरूप, ये भी हम लोगों के सामने नहीं रख पाए। इसलिए ऐसे कार्य जो देखने में शायद आज आपको लगता होगा कि शायद छोटे से हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और भारत का ही नहीं, विश्व का कल्याण भी इसी मार्ग से। मुझे प्रसन्नता है, स्वामी जी बता रहे थे कि बहुत से कुछ ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं कि भारतीय वैदिक परंपरा को और इतिहास को ठीक रास्ते पर लाने के लिए कुछ संकल्प किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात का हमें बहुत सम्यक विचार करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि जो हमारा विद्वान है उसके बीच में हमारे शास्त्रों के निर्वचन और अर्थ के बारे में एक मत्ता यदि नहीं भी हो सकती तो उसके बारे में कम से कम इतना तो हो कि भाई ये तीन चार ये शाखाएं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं तो हमें इस बारे में विश्व के सामने रखना पड़ेगा कि ये है। वो आगे बढ़ता है, हमारा विचार समाप्त नहीं होता, वो तो बढ़ने बढ़ता ही रहता है। आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, स्पेस आगे आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड और ज्ञान ये तो एक साथ ही है ना। जो ब्रह्म है वही ज्ञान है। तो अगर जो भौतिक रूप में है ब्रह्मांड फैल रहा है तो ज्ञान के क्षेत्र में भी, तो वेदों के जो निर्वचन है, जो वेदों की व्याख्याएं हैं, जो वेदों के अर्थ हैं, उनके भी अनेक अनेक हमारे सामने निर्वचन करने वाले विद्वान उपस्थित होते हैं। लेकिन उस सबको मिलाकर कहीं ना कहीं हमें विश्व के सामने बोलना चाहिए, शायद बोलना पड़ेगा, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं बर्लिन जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ का इंडोलॉजिस्ट हमसे ज्यादा विचार करता है, वो हमसे पूछता है कि भैया आप क्या करते। तो हमें अपने आप को बड़ी बहुत बड़ी भूमिका पर स्थापित करना, ये एक तरह से मैं कहूँ तो ये बड़ी लड़ाई आपने ले रखी है, सामान्य लड़ाई नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और जो पहला सवाल था कि वेदों का उद्धारण कौन करेगा, काशीराज की पुत्री पूछ रही है को उद्धारिष्यति, तो एक नौजवान ही कहता है कि मैं इसका उद्धार करूंगा। जो नौजवान हमारे माननीय स्वामी अशोक जी थे, जिन्होंने फिर से संकल्प किया कि इनका उद्धार हम करेंगे, मैं इस तरफ देश को और देश की विचार विद्वान को और युवा पीढ़ी को संलग्न करूंगा। ऐसा आयोजन आज हो रहा है, इस आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य मिला और इतने सब महान विद्वानों के दर्शन करने का, और आप सब अनुरागी वेदाध्यायी इन सब देवियों और सज्जनों का दर्शन करने का अवसर मिला। आप सबको नमस्कार। आपका हृदय से धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
सर्वप्रथम आरंभ करते हैं निर्णायक समिति के सम्मान से। निर्णायक समिति की भूमिका इस संपूर्ण यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम का चयन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ आपके सम्मान के लिए। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री शांताराम जी भानो से। आप महाराष्ट्र नासिक के निवासी हैं। आप शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिन शाखा के संलक्षण खनांत विद्वान हैं। आपने वैदिक सम्राट श्री कृष्ण गोडसे गुरु जी के सानिध्य में वेद अध्यापन किया है। वर्तमान में आप नासिक में ही एक आवासीय गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति नारायण जी शर्मा को। आप मूलतः तमिलनाडु प्रांत के निवासी हैं। आप कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा के संरक्षण खनांत विद्वान हैं। आपने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिताजी श्री राम घन पाटी जी से तैतरीय शाखा का संरक्षण खनांत अध्ययन संपूर्ण कर लिया। वर्तमान में आप काशी में वेद साधना, वेद सेवा और गौ सेवा कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति डॉक्टर विजय कुमार जी शर्मा को। आप मूलतः राजस्थान प्रांत के निवासी हैं। आप सामवेद प्राणायनी शाखा के रहस्यांत विद्वान हैं। डॉक्टर शर्मा वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में सहायक आचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री रमेश वर्धन जी को। आप मूलतः कर्नाटक प्रांत के गोकर्ण के निवासी हैं। आप अथर्ववेद शौनक शाखा के विद्वान हैं। आप अथर्ववेद के आचार्य श्री श्रीधन अड़ी गुरु जी के प्रथम शिष्य हैं। गुरु जी वर्तमान में तिरुपति में वेद परायण के साथ वैदिक शोध वेताओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तालियों के माध्यम से हम आप सभी के योगदान को साक्षात प्रणाम करते हैं। इसी सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वह हमारी अनुशंसा समिति के सदस्यों को सम्मानित करें। सभी आवेदनों का गूढ़ अध्ययन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए प्रस्तावित करना अत्यंत परिश्रम तथा निर्णायक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री गणेश जी जोगलेकर जी को। आप मूलतः कर्नाटक गोकर्ण के निवासी हैं। आप ऋग्वेद शाकल शाखा के संरक्षण खनांत विद्वान हैं। आप वैदिक जीवनचर्या की अनुपालना के साथ वर्तमान में अपनी वेद पाठशाला में वेद अध्यापन करते हुए वेद सेवा में समर्पित हैं। अब आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर रामानुज जी उपाध्याय को। आप शुक्ल यजुर्वेद के खनांत विद्वान हैं। आप वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में वेद विभाग में वेदाचार्य के रूप में अपनी वेद सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री कृष्ण मधुकर जी पलस्कर को। आप मूलतः महाराष्ट्र के परभणी के निवासी हैं। आप सामवेद राणायनी शाखा के रहस्यांत विद्वान हैं। आपने विश्वनाथ गुरु जी से सामवेद में अष्ट ब्राह्मण सहित रहस्यांत तथा शौर्य सूत्र का विशेष अध्ययन किया है। वर्तमान में आप नासिक में दत्तधाम क्षेत्र में वेद सेवा कर रहे हैं। तथा अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री रामचंद्र जी जोशी को। आप मूलतः कर्नाटक के गोकर्ण के निवासी हैं। आप कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा तथा अथर्ववेद शौनक शाखा के विद्वान हैं। आप वर्तमान में तिरुपति में निवास करते हैं तथा वहां वेद परायण
करते हुए वेद सेवा में समर्पित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका मार्गदर्शन इसी तरह हमें सदैव प्राप्त होता रहे। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुदर्शन शर्मा जी को। आप श्री तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति रह चुके हैं। आपको वेद रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की भारत आत्मा पुरस्कार की संपूर्ण यात्रा में आपका सहयोग अतुलनीय रहा है। आपने हर पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन किया है। करतल ध्वनि से हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब हम आज के कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिसकी हम सभी अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वेद पुरस्कार। तो आरंभ करते हैं उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी श्रेणी से। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ स्वामी जी से कि वह विजेताओं को पुरस्कार वितरण अपने कर कमलों से करें। उत्कृष्ट वेद विद्यार्थी श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी हैं श्री पद्मनाभ विवेक जी जोशी, श्री रावरी लीला शुक मनोज जी, श्री नीरज जी झा तथा विजेता हैं श्री पद्मनाभ विवेक जी जोशी। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रमाण पत्र, पदक तथा 3,00,000 रुपए की धनराशि सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। आपका जन्म संभाजी नगर में हुआ। आप श्रीमान विवेक जोशी जी एवं श्रीमती वैशाली जोशी जी के सुपुत्र हैं। आप पूरे ही आबा साहेब पटवर्धन वेद शास्त्र वेद विद्यालय में वेद मूर्ति वेद कला निधि श्री दुर्गादास अम्बुलगेकर जी गुरु जी के सानिध्य में अथर्व वेद 10 ग्रंथों का संपूर्ण अध्ययन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसी श्रेणी में अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागी श्री नीरज जी झा तथा श्री रावरी लीला शुक मनोज जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री नीरज जी झा का जन्म बिहार शहर में हुआ। आपने सूरत में श्री शांडित्य ऋषि संस्कृत वेद विद्यालय पाठशाला में शुक्र यजुर्वेद माध्यादिन शाखा का अध्ययन किया तथा श्री रावरी लीला शुक मनोज संलक्षण घनपाटी आप शुक्र यजुर्वेद कांड शाखा के विद्यार्थी हैं। मनोज जी ने वेद अध्यापन अपने पिता श्री वारा प्रसाद जी कुमार गुरु घनपाटी जी तथा प्रताप चंद्र गुरु जी के सानिध्य में किया। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी फोटो। हाँ ले सकते हैं, आ जाइए आप तीनों के साथ। आप तीनों जन आ जाइए। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना रहे। आइए बढ़ते हैं पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी की तरफ। आदर्श वेद अध्यापक गुरु अनंत भूमिकाओं में है। वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। आप सभी गुरुदेवों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले गुरुदेव हैं वेद मूर्ति श्री अनंत कृष्ण जी भट्ट, वेद मूर्ति श्री VNSV लक्ष्मी नारायण जी घनपाठी तथा वेद मूर्ति श्री मंदार नारायण जी शहरकर तथा विजेता हैं वेद मूर्ति श्री विष्णु भट्टला नाग शंकर वेंकट लक्ष्मी नारायण जी घनपाठी। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रमाण पत्र, पदक तथा 5,00,000 रुपए की धनराशि सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। आप आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के निवासी हैं। आपने अपने पिता श्री विष्णु भट्टला जी, श्री राममूर्ति शास्त्री जी तथा बाल गंगाधर शास्त्री जी से
कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के संहिता निकटी पाठों और वेदांगों का अध्ययन किया है। गुरु जी ने अपने पुत्र सहित अनेक विद्यार्थियों को कम आयु में ही संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, पद, क्रम, जटा और खल, शिक्षा शास्त्र, लक्षण ग्रंथों का अध्यापन कराया है तथा वर्तमान में वेद भाष्य का अध्यापन करा रहे हैं। तथा इसी श्रृंखला में अंतिम चरण में पहुंचने वाले गुरुदेव से अनुरोध करती हूं कि वह मंच पर पधारें। वेदमूर्ति श्री मंदार नारायण शहरकर जी तथा वेदमूर्ति श्री अनंत कृष्ण भट्ट जी। वेदमूर्ति श्री मंदार नारायण शहरकर जी शुक्ल यजुर्वेद माध्यादिन शाखा के अष्टदश परिशिष्ट सहित संलक्षण घनांत अध्ययन संपूर्ण कर चुके हैं। आपने सनातन ज्ञान परंपरा के साथ ही लौकिक विद्याओं के अध्ययन में भी दक्षता प्राप्त की है। आपने स्वपुत्र सहित 200 से अधिक शिष्यों को संपूर्ण वेद अध्ययन कराया है। अब आमंत्रित करती हूँ वेदमूर्ति श्री अनंत कृष्ण भट्ट जी को। आप कर्नाटक दक्षिण के निवासी हैं। आप वेदमूर्ति श्री नारायण भट्ट जी के सुपुत्र हैं। आपने आचार्य वेदमूर्ति श्री विश्वेश्वर भट्ट जी से ज्ञान अर्जन किया है। आपने कृष्ण यजुर्वेद के 25 से अधिक वेद विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान प्रदान कर अनुग्रहित किया है। आपको अनेकानेक बधाई। अब भारत आत्मा पुरस्कार की तृतीय श्रेणी उत्तम वेद विद्यालय की ओर हम चलते हैं। यह गुरुकुल या वेद विद्यालय हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इन्हें सहेज कर रखना तथा नवीन सोपानों तक ले जाना एक सराहनीय कार्य है। इस श्रेणी में अंतिम चरण में पहुंचने वाले विद्यार्थी हैं आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय आवन तथा श्री शंकर मठ श्री कांची कामकोटी पीठम तिरुविदाई मधुरम शाखा तथा विजेता हैं श्री शंकर मठ श्री कांची कामकोटी पीठम तिरुविदाई मधुरम शाखा। आपको आमंत्रित करती हूँ प्रमाण पत्र, ट्रॉफी तथा 7 लाख रुपए की धनराशि सिंगल फाउंडेशन की ओर से ग्रहण करने के लिए। यह वेद पाठशाला तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। यह वेद विद्यालय विगत 113 वर्षों से वैदिक ज्ञान संपदा का श्रुति परंपरा अनुसार वेदाध्यान करा रहा है। वर्तमान में वेद विद्यालय में कृष्ण यजुर्वेद सामवेद का श्रुति परंपरा के अनुसार वेद अध्यापन किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तथा इसी श्रेणी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले विद्यालय आचार्य वाचस्पति शुक्ल संस्कृत वेद विद्यालय आवन गुना मध्य प्रदेश को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप भारतीय सनातन वैदिक ज्ञान परंपरा के संवाहक वेदांताचार्य श्री वाचस्पति शुक्ल जी ने इसकी स्थापना की। वर्तमान में इस वेद विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यादिन शाखा, सामवेद की कौथुम शाखा तथा अथर्ववेद की शौनक शाखा का श्रुति परंपरा के अनुसार वेद अध्यापन कराया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम पूरे सभागार को तालियों से एक बार अब हम कार्यक्रम के सम्मान की श्रेणी के उच्चतम सोपान पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, मैं उल्लेख कर रही हूँ वेदार्पित जीवन पुरस्कार की, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तथा इस वर्ष वेदार्पित जीवन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है ब्रह्मश्री सुब्रमण्य जी श्रोतिगल को। आप अत्यंत वरिष्ठ अवस्था में हैं।
उनके उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वेदार्पित जीवन सम्मान को स्वीकार करने के लिए उनके प्रथम शिष्य श्री राजशेखर जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आपको गुरु जी ने स्वयं नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। राजशेखर जी सामवेद कौतुम शाखा के विद्वान हैं तथा आप वर्तमान में दिल्ली में वेद अध्यापन करते हुए वेद सेवा में समर्पित हैं। आदरणीय ब्रह्मश्री सुब्रमण्य जी श्रोतिगल स्वर्गीय लक्ष्मी देवी तथा स्वर्गीय श्रीमान कृष्ण मूर्ति जी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। आपने मध्यार्जुन क्षेत्र में सामवेद की राणायणी शाखा का सांगोपांग अध्ययन किया है। आप अपना वेद अध्यापन पूर्ण कर आप कुंभकोणम में प्राचीन श्रीमद राजा वेद काव्य पाठशाला में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। आपने अपने अध्यापन कार्य के दौरान शताधिक वैदिक शिष्यों को सामवेद की सांगोपांग शिक्षा प्रदान की है। गुरु जी 91 वर्ष की आयु में भी अपने घर पर वेद अध्यापन करते हैं। आपने एक सुदृढ़ शिष्य परंपरा स्थापित करी है। आपके शिष्य भारत में अनेकानेक विद्यालयों में राणायणी शाखा का अध्यापन करा रहे हैं। गुरु जी को अनेकानेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। गुरु जी ने अपना संपूर्ण जीवन कठोर वैदिक जीवनचर्या के पालन के साथ निस्वार्थ वेद सेवा में समर्पित किया है। गुरु जी को इस वर्ष वेदार्पित जीवन सम्मान समर्पित करते हुए सिंगर फाउंडेशन अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा है। हम वेद भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हैं गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य की और देखभाल की, जिससे गुरु जी अपने शीतल और पावन ज्ञान से वेद सेवा कर लोक कल्याण करते रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आचार्य श्री देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात। आप शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं तथा आपको विश्व भर में भारतीय संस्कृति और वैदिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य करने तथा कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। आप लंबे समय तक कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य रहे हैं। जीरो बजट खेती, गौ संवर्धन और आर्य समाज की गतिविधियों में आप सक्रिय रहे हैं। आर्य समाज की आस्था वेद, उपनिषद और वैदिक दर्शन की प्राथमिकता ही है, किन्हीं अपरिहार्य कारणवश आज वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु उन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। आइए सुनते हैं आपका संदेश। आदरणीय भाइयों बहनों, आज मुझे आपके बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के फलस्वरूप मैं आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रहा, जिसका मुझे खेद है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम सब के प्रेरणा स्रोत भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय जीवन मूल्यों के उपासक श्रीमान स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, जिनसे भारत और विश्व का कोई भी हिंदू अपरिचित नहीं है। आपने अपना संपूर्ण जीवन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आप आरएसएस से प्रचार करेंगे और विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन कार्य करते रहे। श्रीमान अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जहां भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए आजीवन रात और दिन कार्य किया, उन कार्यों में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए,
इसके लिए आज हमारे बीच में दुर्भाग्य से वो नहीं है, लेकिन आज और मैं, आप और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि उन महान व्यक्तित्व के द्वारा किए गए प्रयासों के फल स्वरूप आज 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस भव्य राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस बहुत बड़े अभियान में श्रीमान अशोक संगल जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। आप पूरे समाज को जोड़ने के लिए रात दिन लगे रहे। उसी के साथ साथ मैं उनके भ्राता श्री पीपी सिंगल और उनके पुत्रों को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने स्वर्गीय अशोक सिंगल जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत में सिंगल फाउंडेशन की स्थापना की और श्रीमान अशोक सिंगल जी वेदों के परम उपासक हैं और हम जानते हैं वेद भारतीय संस्कृति में विश्वात्मा के प्राण है। वेद अपौरुषेय, वेद मनुष्य की रचना नहीं, अपितु सृष्टि के आदि है। परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चार ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दिया और उसका प्रमाण वेद में ही हृत प्रतिष्ठम यदिम जलिष्ठम तन्मे मनक्षिर संकल्प मस्तु। अर्थात परमात्मा ने उन चार ऋषियों के हृदय में जो अपने मोक्ष के काल को पूरा करके मनुष्य देह में धरती पर आए थे वो सर्वाधिक पवित्र आत्मा थे। उनके हृदय में परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया और वेद में इसका प्रमाण है तस्मात यज्ञा सर्वतर ऋचः सामान्य जज्जे छंदांसी जज्जिरे तस्मात यदुष तस्मात अजायत। अर्थात हे लोगों, उस परमात्मा पिता ने सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया और उन चारों ऋषियों ने जो परमात्मा के द्वारा उनके हृदय में वेदों का ज्ञान दिया गया उन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा से उस ज्ञान को शिष्यों में बांटा और उनके शिष्यों ने अगली पीढ़ियों को दिया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ियों को दिया और हजारों साल तक, क्योंकि उस काल के वो लोग निष्कलंक थे, पवित्र आत्मा थे, परिलक्षित बुद्धि के थे, इसलिए ज्ञान प्रवाह से गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा और कुछ अंतराल के बाद फिर ये कागज पर लिख करके आज पुस्तक आकार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे बीच में उपलब्ध है। भाइयों और बहनों, श्रीमान अशोक सिंगल जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वेद ईश्वरीय रचना है और भारत में जितने भी आर्ष ग्रंथ बाद में आए ऋषियों के द्वारा दर्शन शास्त्र, उपनिषदें और रामायण, महाभारत, गीता आदि जितना भी हमारा साहित्य है वो सब ऋषियों द्वारा आर्ष ग्रंथ के रूप में हमें मिला है, लेकिन इन सब ग्रंथों का मूल जो केंद्र बिंदु है वो वेद है। माननीय सिंगल साहब का,
यह चिंतन स्थायी रूप से आने वाली भारतीय संस्कृति के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहेगा। आज मैं सिंगल फाउंडेशन के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय अशोक सिंगल जी की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत आत्मा अशोक जी सिंगल वैदिक पुरस्कार अर्पण समारोह प्रतिवर्ष किया जाता है और वेद के विद्वानों को, छात्रों को जो वेदों पर काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा सम्मान भी इस अवसर पर दिया जाता है ताकि हमारी वैदिक विद्वानों को एक प्रेरणा मिलती रहे। बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं पुनः सिंगल फाउंडेशन के आदरणीय सलील सिंगल जी को, अरविंद सिंगल जी को, संजय सिंगल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस परंपरा को बनाए हुए। भाई और बहनों, वेद हमारी संस्कृति के प्राण है। आज दुर्भाग्य से हम वेदों से अपरिचित होते जा रहे हैं। आज हमारे यहां अलग अलग कथाएं होती हैं, हमारे धर्म गुरु अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के बीच में जाकर कथाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेदों की कथा की परंपराएं भारत में न के बराबर है। मैं सिंगल फाउंडेशन से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे विद्वान भी तैयार किए जाए कि जो केवल वेदों की कथाएं करें। इस दिशा में आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आदेश का पालन करते हुए काम किया। महर्षि अरविंद जी ने लिखा है कि जिस प्रकार से हिमालय की चोटी सबसे ऊंची है, उसका कोई सानी नहीं है, उसकी ऊंचाई की बुलंदियों को कोई नहीं छू सका है, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने वेदों का परिचय भारत की जनता से पुनः कराया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का जो भाष्य किया वो रूढ़ी नहीं किया, वो योगी किया। सायन, महिदर, उबर, ग्रिफिथ, मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, इन लोगों ने जो वेदों के भाष्य किए उन भाष्यों ने लोगों में वेदों के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं कर रहे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें प्राणी मात्र के लिए कल्याण का उपदेश। आज यदि सारा विश्व वेदों की ओर लौटे तो आज विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का एक बहुत बड़ा आधार पैदा हो सकता है। अक्सर लोग जिस मान्यता से जुड़ जाते हैं वो उसी में रस लेने लगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वेदों का जो चिंतन है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, अपितु वेद ने समस्त विश्व को अपना परिवार माना। और वेदों में कहा प्रणवंतो विश्व मारे, हम सारी दुनिया को श्रेष्ठ लोगों का समाज बन रहे। वेदों में लिखा मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, वहां यह नहीं लिखा कि तुम अमुक अमुक मत में बढ़ जाओ, अपितु ये लिखा है कि हे मनुष्य तुम सही अर्थों में मानव बनो, मनुष्य बनो, इंसान बनो। कैसा इंसान? जो यस्सु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति,
यत सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो निदीक्षिष्यति। ये वेद का मंत्र है। इसमें कहा कि हे मनुष्य, तुम अपने व्यक्तित्व को इतना उदार और महान बनाओ कि दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखो और अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखो, अर्थात दूसरे का सुख दुख आपका सुख दुख बन जाए और मेरा सुख दुख दूसरे का सुख दुख बन जाए। इतना एक सा भाव, इतना अपनापन लोगों में आएगा तो फिर यहां आतंकवाद के लिए, युद्धों के लिए क्या जरूरत रहेगी। वेदों में मनुष्य मात्र के लिए उपदेश, संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। अर्थात वेद का उपदेश है, हे दुनिया के लोग, तुम मिलकर के चलो, मिलकर के बोलो, तुम्हारी मंत्रणा एक हो, तुम्हारा चिंतन एक हो और तुम आपस में एक दूसरे से कैसे मिलकर के रहो, कैसे प्यार करो। वेद का ही मंत्र है, सहृदयम सामनस्यम मैविद्वेषम प्रणौमिव अन्यम अन्यम अभिहरियत वत्सम जातमिवाम। हे मनुष्यो, तुम आपस में लड़ो झगड़ो मत, ईर्ष्या द्वेष के बंधन से मुक्त हो जाओ और एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती। आप सब ने देखा होगा, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे पर अनेक तरह के मल लिपे होते हैं और गाय उस मल को चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती है। दुनिया में इससे बड़ा मानव की एकता का संदेश देने वाला कोई ग्रंथ नहीं है जो ये कहता हो कि हे दुनिया के मनुष्यों, तुम एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। इतनी ऊंची कल्पना है। इसी के कारण भारत के ऋषियों ने दुनिया को संदेश देते बोला था, अयम निजः करोमीति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसु धैर्य कुटुम्बकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये परा है, इसे ऊपर उठिए। सारा विश्व मेरा परिवार है और सारे विश्व का मैं परिवार हूं। फिर इन भूखंडों पर परमाणु बम, युद्ध, विध्वंसक प्रवृत्तियां की क्या जरूरत पड़ेगी। ये था वेद का उपदेश, ईश्वर का हम सबके लिए मार्गदर्शन और उपदेश। मान्य अशोक सिंघल जी वेद के इन दिव्य उपदेशों से प्रभावित होकर आजीवन उन्होंने वेद सम्मेलन कराए, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। आज सिंघल फाउंडेशन उस परंपरा को जिंदा किए हुए है और मैं चाहूंगा कि इसका और विस्तार होना चाहिए। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद अपौरुषेय है, वेद प्राणी मात्र के कल्याण का संदेश देते हैं। यदि ये चिंतन और सोच राष्ट्रव्यापी बनेगी तो सारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं विश्व में वैसा ही वातावरण पैदा होगा। यही सुख और शांति का आधार है। मैं मान्य स्वर्गीय अशोक सिंघल जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए आप सबको इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम और विस्तार रूप से पूरे देश में अलग अलग जगह पर बढ़े और हमारे कथावाचकों से भी मैं निवेदन करता हूं, ऐसे वेदों के विद्वान बनने चाहिए जो वेदों का वैज्ञानिक स्वरूप लोगों के बीच में प्रस्तुत करें, वेद के योगिक अर्थों का प्रस्तुत करें ताकि विश्व वेद के प्रति श्रद्धान्वित होकर के और इस दिव्य वेद वाणी को समस्त विश्व में फैला करके हम दुनिया को शांति धाम बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
कार्यक्रम के अंतिम सोपान में मैं निवेदन करती हूँ सिंघल फाउंडेशन के न्यासी श्री संजय जी सिंघल साहब से कि वे पधारे हुए समस्त अतिथिगण को जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं आभार प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आपकी प्रेरणा से भारतात्मा पुरस्कार की यह श्रृंखला शुरू हुई जिसका कि आज सातवां सोपान संपन्न हुआ है। हमेशा की तरह आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे यही कल्पना है। माननीय देवगत आचार्य जी गुजरात राज्यपाल को भी हमने सुना, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। मुरली मनोहराचार्य जी आज हमारे बीच आए हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती। बहुत सालों बाद आपसे मिला और आपके साथ जब बैठो तो कुछ सीखने को मिलता है। चाचा जी प्रणाम। सिंगल फाउंडेशन की ओर से मैं अपनी रिकमेंडेशन कमेटी और जूरी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। रमेश जी वर्धन, नारायण जी गणपाटी, शांताराम जी भानु से, विजय कुमार जी शर्मा, रामानंद जी उपाध्याय, गणेश जोगलेकर, कृष्ण जी पालस्कर और रामचंद्र जी जोशी, सारे अखिल भारतीय स्तर पर एक निष्पक्ष रूप से विजेता का चयन हो सिर्फ उत्कृष्टता के बेसिस से, सिर्फ उत्कृष्टता ही इस पुरस्कार को पा सके, ये आप ही लोग संभव करवाते हैं। और एक तरफ ये काम करते हैं और दूसरी तरफ इस काम को कैसे आगे सुधारा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें भी आप हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद जिन लोगों ने आवेदन दिए, विद्यार्थियों ने, विद्यालयों और अध्यापकों ने, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हमारे दो विद्यालय फाइनलिस्ट श्रेणी में पहुंचे, श्री आचार्य वाचस्पति देव विद्यालय गुणा और श्री शंकर मठ कुंभकोणम से, आपके यहाँ हमारी जूरी आई, आपने उनका बड़े अच्छे तरीके से अपने स्कूल वगैरह को दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ही सुदर्शन जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, सुदर्शन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब यहाँ आज पधारे, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सब इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं दोबारा स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, चाचा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जय जय मंगल गायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। प्रत्येक अच्छे कार्य की स्मृति हमारे हृदय में होती है, परंतु उसे सबके साथ बांटने के लिए तथा संजोग के रखने के लिए मैं सामूहिक फोटो के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार तथा आप सभी सके कहा स
सया एवं विद अस्मान लोका प्रेत्या एतम महात्मानमुपसंक्रम्य एतम प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतम मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतम विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतम आनंदमयमात्मानमुपसंक्रम्य।